हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसकी स्टेजेस क्या होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, आज हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द इनिशियल स्टेप बिफोर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी एग्जामाइंड can be examined and plays a vital role in the manufacturing process. उत्पाद जीवन चक्र की जांच, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द इनिशियल स्टेप बिफोर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी एग्जामाइंड। उत्पाद जीवन चक्र की जांच से पहले नया उत्पाद विकास प्रारंभिक चरण है एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके आगे देखिए, टू प्रिवेंट loss of profit or liquidation for businesses. In the long term, New product have to be, इसी के आगे ये स्लाइड में कंटिन्यू लिख रहे हैं, have to be created to replace the old products. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टू प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रॉफिट और लिक्विडेशन फॉर अ बिजनेसेस इन द लॉन्ग टर्म, न्यू प्रोडक्ट हैव टू बी क्रिएटेड टू रिप्लेस द ओल्ड प्रोडक्ट, यानी दीर्घ अवधि में व्यवसायों के मुनाफे और परिसमापन के नुकसान को रोकने के लिए पुराने उत्पादों को बदलने के लिए नए उत्पादों का निर्माण करना होगा। पीटर ड्रकर ने अपनी एक बुक में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में ये सजेशन दिया था कि प्रोडक्ट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों आपस से लिंक्ड है, दोनों म्यूचुअल लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक व्यवसाय के सफल होने में एक साथ इनका उपयोग किया जाना चाहिए तथा नए उत्पाद विकास की प्रक्रिया से संबंधित होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू में कह सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम अपने लॉस को, अपने लॉस को होने से बचा सकते हैं। हम अपने न्यू प्रोडक्ट को नए रिप्लेस करके हमारे ओल्ड प्रोडक्ट में ही चेंजेस और वेरिएशन लाकर हम अपने नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, और नए प्रोडक्ट का निर्माण करने में भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोडक्ट इनोवेशन दोनों को एक साथ लिंक करके क्या करना है, दोनों वैसे भी एक साथ लिंक्ड ही होते हैं, इनको एक साथ परस्पर साथ में जोड़कर काम करने से उस व्यवसाय को सक्सेस मिल सकती है। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी 6 अवस्थाएँ होती हैं।
पहले हम इसके बाय पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर एक एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, चलिए उस पर बात करते हैं. सबसे पहली स्टेज जो है वो हमारी है, सबसे पहली है क्रिएशन, जनरेशन, जनरेशन ऑफ आइडिया. ठीक है, सबसे पहली. सेकेंड हमारी कौन सी है? स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया. फिर हमारी आती है बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस. ठीक है, फिर फोर्थ आती है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फिफ्थ आती है हमारी टेस्ट मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग. एंड उसके बाद हमारी जो लास्ट जो दे रखी है वो है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, कमर्शियलाइजेशन कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ये है हमारी छह जो अवस्थाएं हैं, छह जो स्टेजेस हैं वो. अब चलिए हम एक एक करके इन सब पर बात करते हैं, क्या होती है ये स्टेजेस, इसमें क्या क्या करना है आपको. चलिए, सबसे पहला जनरेशन ऑफ आइडिया. सबसे पहला हमारा ये है, इसको हिंदी में कहते हैं विचार उत्पत्ति, विचार उत्पत्ति. अब देखिएगा ये क्या कहता है, विचार उत्पत्ति के साथ ही नव उत्पाद विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है. बिगनिंग किससे होता है? इस स्टेप से. ठीक है, बिगनिंग हुई है. उत्पादों के संबंध में नए नए विचार आते रहते हैं, जिनके बाद जिन्हें बाद में उत्पाद के रूप में परिणित किया जाता है. जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, ये हमने प्रोडक्ट बना, ये हमना हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स. इसको बनाने के लिए बहुत सारे विचार आए होंगे, ठीक है. ये सारे क्या है? हमारे आइडिया. अब इनको हमने क्या किया है? चूज किया है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये जो आइडियाज दे रखे हैं ये आते हैं, उसके बाद में इनका जनरेशन होता है, इनको इनकी उत्पत्ति होती है, जिनके बाद में हम उन आइडिया को एक प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन सभी विचारों को परिणित नहीं किया जा सकता. अभी हमने बताया है कि एक दो तीन, ये तीन क्या है? हमारे आइडिया. क्या हम इन तीनों को एक प्रोडक्ट बना सकते हैं? हमने तो बोला ना कि यहाँ पर हमने सिर्फ X नाम का प्रोडक्ट बनाया है. या तो हमने वो प्रोडक्ट किससे बनाया होगा? A से या B से या C से. ठीक है, पर जितने भी सारे आइडियाज होते हैं उन सबका मिलाकर हम, या फिर उन सबको, सारे आइडियाज को हम प्रोडक्ट नहीं बनाते. कुछ ऐसे आइडियाज भी होते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के योग्य नहीं होते हैं, जिनमें कैपेसिटी नहीं होती है, जिनमें आइडिया में कुछ ऐसा परिणित रूप नहीं होता या कन्वर्टेबल ऐसा कुछ भी जनरेट नहीं किया जा सकता जिससे प्रोडक्ट. ठीक है, अब देखिए कि नव उत्पाद संबंधित विचार आते कहाँ से. ठीक है, अब ये आइडिया आया कहाँ से, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ से आया. देखिएगा, सबसे पहला निर्माता के विक्रयकर्ता यानी सेल्समैन. सेल्समैन सेल करते हैं, सेलिंग करते हैं, इसलिए उनको पता है कि कस्टमर को मार्केट में क्या चाहिए और उसकी डिमांड क्या है. तो उस हिसाब से वो जनरेट करेगा आइडिया, और फिर जनरेट करने के बाद उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा.
सेकेंड है हमारा कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिशन एनालिसिस, कॉम्पिटिशन एनालिसिस। मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने ज़रूरी है। आप लाओगे, आप एनालाइज करोगे, किस चीज़ को एनालाइज करोगे, हम कंपटीशन को एनालाइज करेंगे कि हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कितना कंपटीशन है और हम किस तरह के प्रोडक्ट को क्रिएट करें जिससे हम उस कंपटीशन को मात दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है थर्ड। थर्ड क्या कहता है, कौन देता है, और एक्सपर्ट्स। आपको पता है हर किसी कंपनी में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग या डेवलपमेंट या प्रोडक्शन हाउस में, जो प्रोडक्ट को बनाने के रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट को डेवलप करने के रिलेटेड ऐसे कुछ आइडियाज देते हैं जिससे प्रोडक्ट को उस मार्केट में सर्वाइव करने में इजी हो जाता है। तो वो सारे एक्सपर्ट्स भी आपको क्या कर सकते हैं, आइडिया का सोर्स हो सकते हैं आपके। फिर है आपके कस्टमर। आपको पता है आजकल कस्टमर बहुत एडवांस हो गए हैं। आप भी एक कस्टमर हो, मैं भी एक कस्टमर हूँ, और बहुत यहाँ इस दुनिया में हर कोई किसी का एक दूसरे का हम एक दूसरे के हम कस्टमर है। हमारे कुछ जैसे बिजनेस है स्टील का, ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम पूरा जो हमारा मटेरियल है, हमारी नीड है, वो सारी स्टील से तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम भी किसी के कस्टमर है और कोई और भी हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो उस वजह से एक कस्टमर जो होता है वो मार्केट में जिस नई चीज़ को देखता है या जिस तरह की वो कस्टमर वो प्रोडक्ट चाहता है, वो अपने प्रोड्यूसर को कह सकता है या फिर अपने जो भी रिटेलर या होलसेलर जो भी हायर अथॉरिटी है उसको कह सकता है, जिससे उसको जैसा उसका डिज़ायर है, जैसी उसकी वॉन्ट्स है, जैसी उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग मिल सके। तो यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कस्टमर भी हमको क्या कर सकता है, आइडिया दे सकता है। क्लियर है? एंड लास्ट वन है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आइडिया देने के लिए ही है कि किस तरह से आपका काम करना है, आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, कैसे जनरेट करोगे, सारा कुछ मैनेज करता है। इसलिए हम मैनेजमेंट को भी कह सकते हैं कि वो हमको आइडिया देते हैं, उनसे भी हमारे आइडियाज आते हैं। तो यहाँ पर समझ आया आइडियाज के सोर्स कौन कौन से हैं। देखिए ये हमारे सोर्स है, ठीक है। सबसे पहला सेल्समैन, सेकेंड है कॉम्पिटिशन एनालिसिस, थर्ड है एक्सपर्ट्स, फोर्थ है कस्टमर, एंड फिफ्थ है मैनेजमेंट। क्लियर है? फर्स्ट हमारा जो स्टेज था वो ये था, जनरेशन ऑफ आइडियाज। समझ आया? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या था, आइडिया को ही ढूंढना, विचार कहाँ से लाएंगे उसी को ही ढूंढना। अब विचार मिल गया है, विचार क्या अकेला आएगा? आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो क्या एक ही ओपिनियन आपके ऊपर बनती है या क्या एक ही आइडिया आपको मिलता है? नहीं ना, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से हमको क्या करना पड़ता है, बेस्ट को चूज करना पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप यही कहता है कि आप स्क्रीनिंग करो, यानी कि इस चरण में एकत्रित विचारों की चटनी की जाती है। आपको पता है, ये देखिए, ये हमारे आइडियाज हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो हमको क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। छानबीन का उद्देश्य उन विचारों को छाट देना है जो निर्माता के उद्देश्य और संसाधनों के संदर्भ में न्याय संगत नहीं है। हमको उन आइडिया को बाहर निकालना है जो हमारे एक कंपनी के जो पर्पस है उसको, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को सूटेबल नहीं होते हैं, उनको क्या करना है, नॉट सूटेबल है, उनको आपको क्या करना है, अलाउड नहीं करना है, अलाउड नहीं करना है। क्लियर है यहाँ पर? ये आपका अलाउड नहीं करना है। अगर आपका सबसे पहला किसी कंपनी का ये आइडिया चूज करने से पर्पस फील नहीं हो रहा है, पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर उसके रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो हम ए को क्या करेंगे, नहीं चूज करेंगे। सी का भी वैसा का वैसा हाल है, डी का भी वैसा का वैसा हाल है, तो हम इनको चूज नहीं करेंगे, हम चूज किसे करेंगे, डी को। क्लियर है यहाँ तक?
ये था हमारा विचारों की छानबीन, यानी हमारे दिमाग में जितने भी विचार आते हैं उनमें से हम अपने पर्पस और अपने रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए हम अपने किसी एक विचार को चूज करते हैं जो बेस्ट और अल्टरनेटिव्स है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस ये है हमारा थर्ड स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि आपका जनरेट करना है आपको आइडिया। फिर सेकेंड था कि जो आपने आइडियाज लिए हैं उन सब में से जो बेस्ट है, जो आपके पर्पस और आपके रिसोर्सेज को सूट करता है उसका स्क्रीनिंग करके, जो सूट नहीं करते उनको बाहर निकाल दो और जो सूट करते हैं उनको अलाउ कर दो। क्लियर है? तो ये है हमारा थर्ड। तो चलिए इस चरण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नए उत्पाद के संबंध में भावी बिक्री, लाभ और उसके प्रतिफल का कितना प्रतिशत हो सकता है। देखो आप जब भी बिजनेस कर रहे हो आपका सबसे पहला मोटिव क्या है? बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, यानी रिस्क ले रहे हो। आप रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट गेन करने का तो बनता है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट गेन किससे करोगे? क्या आप जब तक सेल नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो? नहीं, ठीक है। तो रिस्क बिजनेस एनालिसिस में क्या करेंगे कि हमने रिस्क ली है किस बेस पर, हमने रिस्क किस बेस पर ली है? प्रॉफिट के बेस पर, कि प्रॉफिट हमको कमाने को मिलेगा। और प्रॉफिट किससे होगा? सेल से। जितनी हम सेल करेंगे उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो जब भी हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि फ्यूचर में सेल्स कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा और हमारा उसमें जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ें आपको पता करनी है। और ये पता किससे करेंगे? जब तक हम बिजनेस एनालिसिस नहीं करते ये तीनों चीज़ हमको कभी पता नहीं चलेगी। बिजनेस में क्या चल रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, उस बेस पर हम निकाल सकते हैं कि हमको इन फ्यूचर में हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है अगर हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो। क्लियर है? साथ यह भी तय करना है कि सब निर्माता के उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं, यह सब निर्माता के उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं। ये सब अनुकूल होने की दशा में ही नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। फ्यूचर की सेल कितनी है, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, प्रॉफिट सही है या नहीं, परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का या कॉस्ट कितनी है, ये अगर प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग सही माने गए हैं तब जाकर हम क्या करेंगे, अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। यानी हमारा बिजनेस एनालिसिस करने का मोटिव यही था कि हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमको ये जो पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखना है, इनको एनालाइज करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ स्टेज क्या कहती है हमको? देखिए फोर्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या कहता है? उत्पाद विकास, ठीक है। ये कहता है कि इस चरण में यह पता लगाया जाता है कि क्या नए उत्पाद के संबंध में विकसित विचार को तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है। देखो हमने सोच तो लिया कि हमको नया प्रोडक्ट बनाना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी टेक्नोलॉजी उस नए प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगी, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका कमर्शियलाइज जो भी बैकग्राउंड है वो आपको इस बात की परमिशन देगा कि आप नए प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे।
सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि आपको मॉडल बनाना होगा, मॉडल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका मॉडल बनाना होगा कि इस तरह का हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। वो पूरा प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ मॉडल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, कंज्यूमर इंटरेस्ट, कस्टमर का इंटरेस्ट जानना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर थर्ड है आपको कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। किस चीज का करवाओगे रजिस्ट्रेशन, ब्रांड का, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो नई ब्रांड होगी, ब्रांड का और आपके कॉपीराइट्स का या जो भी आपके पेटेंट वगैरह है उनका, ठीक है। एंड लास्ट हमारा जो आता है वो है आपकी पैकेजिंग। पैकेजिंग कैसी होगी उस पर भी डिपेंड करता है कि बायर खरीदता है या नहीं खरीदता है। आपको पता है आजकल जो जो जूस वगैरह के आते हैं वो प्लास्टिक की बॉटल में नहीं होकर वो टेट्रा पैक में आते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव भी दिखता है और कस्टमर खरीदते भी है। तो इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले इन चार बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इनको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं स्टेज फिफ्थ की। स्टेज फिफ्थ क्या कहता है, टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग, ठीक है, टेस्ट मार्केटिंग में यानी परीक्षात्मक विपणन। देखिए ये क्या होता है कि नए उत्पाद को बाजार में बड़े पैमाने से प्रस्तुत करने से पूर्व जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उसको होल मार्केट में प्रेजेंट नहीं करेंगे। हम होल मार्केट में पहले प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम कहाँ करेंगे उसको प्रेजेंट, एक निर्माता को परीक्षात्मक विपणन करना है। इस विपणन में यह देखा जाता है कि उत्पाद को बाजार के एक भाग में प्रस्तुत करके ग्राहकों की प्रतिक्रिया का पता लगाया जाता है। किसी एक पार्ट में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, और उससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कस्टमर क्या फीडबैक देगा। कस्टमर का फीडबैक इससे हमको पता चल सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं भी चला तो हमको इतना लॉस नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने मार्केट के एक ही पार्ट में क्या किया, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। क्लियर है, वन पार्ट में इंट्रोड्यूस किया है तो लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, और इससे हमको क्या मिलेगा, कस्टमर का फीडबैक मिल सकता है। तो इस तरह से आप अगर टेस्ट मार्केटिंग करते हो तो आप भारी नुकसान से बच भी सकते हो, और आपकी जोखिम जो होती है यानी जो रिस्क होती है वो भी क्या होती है, लो हो जाती है, लो रिस्क हो जाती है। क्लियर है यहां पर? यानी कि देखो, टेस्ट मार्केटिंग करने के कारण भी क्यों है, क्योंकि आपको कंज्यूमर का फीडबैक पता करना है ताकि आप अपनी सेलिंग कैपेसिटी को उसके अनुसार कर सको, ठीक है। अगर कस्टमर की डिमांड 100 है तो आप 100 बना सकते हो, अगर कस्टमर की डिमांड 1000 है तो आप 1000 यूनिट बना सकते हो। फिर है कि आप उसके ऑप्शंस का, जैसे अगर आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट कम पसंद आया है तो आप उससे रिलेटेड ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ये ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट का, अल्टरनेटिव्स और थोड़ा क्रिएट कर सकते हो। तो इस वजह से आपका टेस्ट मार्केटिंग जरूरी है। फिर है कि टेस्ट मार्केटिंग जब भी हम करते हैं तो क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली कि प्रतियोगी संस्था द्वारा हमारे उत्पाद की नकल किस गति से हो रही है। हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, लॉन्च करने के कितने टाइम के बाद हमारे कॉम्पिटिटर वो ही प्रोडक्ट वैसी ही क्वालिटी का बना रहे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसी उत्पाद की असफलता की जोखिम यानी हानि कम हो तो बिना परीक्षण के ही प्रस्तुत कर सकते हो। अगर आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा तो आपको टेस्ट मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। एंड लास्ट है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट तथा आपका टेस्ट मार्केटिंग कि जो अमाउंट है उनमें कम अंतर है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट मार्केटिंग को आप अपने दिमाग से इस आइडिया को हटा सकते हो और डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट पेश कर सकते हो। तो ये था हमारा टेस्ट मार्केटिंग।
क्लियर है। अब हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं। लास्ट स्टेज है हमारा 6, कमर्शियलाइजेशन कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कहता है, यानी उत्पाद का वाणिज्यकरण। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको सिंपल सा बिना स्टेजेस के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्पाद का वाणिज्यकरण क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। होता क्या है कि टेस्ट मार्केटिंग में हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने पर हम क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट को, हमारा जो हमने लॉन्च किया है उसको हम लार्ज स्केल पर बना देते हैं। यानी कि अगर हमको टेस्ट मार्केटिंग से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। किसको, न्यू प्रोडक्ट को। ठीक है, जो हमने डेवलप किया है उस न्यू प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, वहां पर लॉन्च कर देते हैं। जिसके लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, जैसे लॉन्च करने के लिए हमको कुछ बेसिक जो नीड्स होती हैं वो ये होती है, जैसे आधारभूत सुविधाएं की व्यवस्था, जैसे आप कह सकते हो स्टोरेज की, जैसे आप कह सकते हो कुछ भी बेसिक जो नीड्स है वो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मीटिंग्स, ठीक है, आप कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट, फिर आप कह सकते हो प्रमोशन। ठीक है, तो इन सब की जरूरत होती है आपको। तो प्राय नए उत्पाद को विदेशी बाजार में एक साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वरन नियोजित बाजार विस्तार नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसका आशय यह है कि उत्पाद का वाणिज्यकरण धीरे धीरे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, आपको एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो लार्ज स्केल पर अगर आपने लॉन्च किया है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। कौन कौन सी है, देखिए, जनरेशन ऑफ आइडिया, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, देन थर्ड स्टेप है बिजनेस एनालिसिस, फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर है टेस्ट मार्केटिंग, लास्ट है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।